ओम शांति। अव्यक्त संदेश 16/8/1990। मेरेपन को मिटाने की विधि है त्याग और वैराग्य। आप सभी का शुभ संकल्प और समाचार लेते हुए जैसे ही बाबा के पास में पहुंची तो बाबा सामने थोड़ा दूरी पर खड़े थे और बाबा के हाथ में दो मालाएं थी। मैं दूर ही खड़ी थी। एक माला राइट हैंड में थी, दूसरी माला लेफ्ट हाथ में थी। जो माला लेफ्ट हाथ में थी वह बहुत रंग बिरंगी चमक रही थी और वह बहुत सुंदर आकर्षण वाली हीरो की माला थी। लेकिन जो माला राइट हाथ में थी उसमें चमक नहीं थी। बाबा ने दूर से ही दिखाया। बाबा ने पूछा, दोनों मालाओं में से तुमको कौन सी माला पसंद है? मैं समझ गई कि बाबा पूछता है तो जरूर इसमें भी कुछ राज है। मैं मुस्कुरा भी रही थी और सोच भी रही थी कि दोनों मालाओं का राज क्या है। हमने कहा, राइट हैंड वाली माला अच्छी है। फिर हम थोड़ा आगे गई तो क्या देखा, राइट हैंड वाली माला थी रियल रुद्राक्ष की माला। वह बल चमकती नहीं थी लेकिन थी मूल्यवान। वह रुद्राक्ष की माला राइट हैंड में थी, दूसरे हाथ में चमकती हुई माला थी। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा डबल माला देख रहे थे। हमने कहा, बाबा इसमें जरूर कुछ रहस्य होगा। बाबा ने कहा, माला हाथ में लेकर देखो। फिर हमने जब उस माला को अच्छी रीति देखा तो रुद्राक्ष वाली माला का जो दाना था उसमें हर एक दाने पर लिखा हुआ था, मेरा बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हर दाने पर मेरा शब्द पहले था। हर एक दाने पर इसी प्रकार बाबा की महिमा का शब्द था। दूसरी माला में भिन्न भिन्न लिखत थी, मेरा मान, मेरा शान, मेरा स्थान, मेरा वीआईपी, मेरा साधन, मेरा जिज्ञासु। इस प्रकार मेरा मेरा की माला थी और बहुत वैरायटी थी, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी बुद्धि। फिर बाबा ने कहा, बताओ कौन सी माला पसंद है। बाबा आज यह लिस्ट निकाल रहा था कि हर बच्चे के अंदर मेरा मेरा कितने प्रकार का है, इसलिए तुमको आते ही यह दृश्य दिखाया। मैं तो साक्षी हो देख रही थी। फिर बाबा ने कहा, बच्चों से अब तक मेरापन मिटा नहीं है। हमने पूछा, कितने परसेंट थी? तो बाबा ने कहा, अभी नथिंग नहीं है लेकिन समथिंग है। इतना ही जवाब दिया। हमने कहा, बाबा अभी इसके लिए ही तो भट्टी हो रही है ना, तो जरूर समथिंग से नथिंग हो जाएगा। बाबा बहुत मीठा मुस्कुरा रहा था, जैसे एक एक रत्न को देख मुस्कुरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा वहां था ही नहीं। मैंने कहा, बाबा आप कहीं चले गए क्या? बाबा ने कहा, हम बच्चों को इमर्ज कर देख रहा था। फिर बाबा ने कहा, नथिंग तो होना है लेकिन उसके लिए बड़े वैराग्य और त्याग की दरकार है। सबसे बड़ा त्याग है अपनापन का त्याग, बॉडी कॉन्शियस का अपनापन। मेरा मेरा जो आता है, मैं ही कुछ करूँ, मेरी बुद्धि अच्छी है, अपनेपन का जो भान आता है वह मेरा मेरा उत्पन्न करता है। वह अपनापन बिल्कुल ही त्याग हो जाए इसमें मेहनत लगती है। पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता, पहले नशे में, निश्चय में चूर होते हैं, उसमें लवलीन रहते हैं। फिर धीरे धीरे मेरा मेरापन इमर्ज होता है। दूसरे को भी अपनेपन से देखें व समझें, जैसे मैं हूँ वैसे यह भी एक है, मेरापन हो व उनका हो, लेकिन नाम तो इंस्टीट्यूशन का है, नाम तो बाबा का है। ऐसी ऐसी बातें जो पीछे आती हैं वह त्याग को खत्म कर देती हैं। इसलिए इसका वैराग्य और त्याग चाहिए। वैराग्य के बिना त्याग नहीं हो सकता और त्याग का भाग्य न मिले यह तो होता नहीं। किसको प्रत्यक्ष मिलता, किसको थोड़ी देरी से मिलता। बाबा ने कहा, नथिंग होना ही है, लेकिन जब हर एक के मन में वैराग्य के त्याग की लहर उत्पन्न हो तभी नथिंग होगा। हमने कहा, बाबा हम लोगों का एक संगठन पूरा हुआ, अब दूसरा हो रहा है। हमने कहा, आपको हमारे संगठन से खुशबू तो आ रही है ना? बाबा ने कहा, हाँ,
एक खुशबू आ रही है। इच्छा की खुशबू सभी में है, लेकिन हमें अच्छा बनना ही है, इसमें नंबरवार है, लेकिन होना है। हमने कहा कब होगा? बाबा ने कहा जब इच्छा और अच्छा का बैलेंस हो जाएगा, तब फिर हो ही जाएगा। बाबा ने कहा यह पक्का संकल्प करें कि कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी है, एक ही इच्छा रहे, जो बाबा की इच्छा वह मेरी इच्छा। बाबा की इच्छा सर्विस प्रति क्या है, हमारे प्रति क्या है, जो बाबा की इच्छा वही हमारा अच्छा हो, इसमें समानता हो। यह इच्छा ही समथिंग को समाप्त कर नथिंग कर देगी, तो पहले वैराग्य फिर त्याग होगा। हद की इच्छाएं समाप्त कर जो बाबा की इच्छा वह मेरी इच्छा रहे, तो अच्छा बन ही जाएंगे। ओम शांति।